डायरेक्शंस यानी दिशाएं। पहले आप कुछ बटनिंग यहाँ पर मैं देखती हूँ, इसे आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे। डायरेक्शंस, दिशाएं, ईस्ट, पूरब, वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण। फाइंडिंग, पता लगाना, अपवर्ड, ऊपर की ओर, डाउनवर्ड, नीचे की ओर। एरो, तीर, फॉरवर्ड, आगे की ओर, बैकवर्ड, पीछे की ओर। तो आपका ये वर्ड मीनिंग बता दी हूँ मैं, आप इसे अपने नोटबुक में लिख लें। अब आप अपना बुक निकालेंगे और चैप्टर 15 खोल कर रखेंगे। मैं पढ़ा रही हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। दिशाएं, डायरेक्शंस यानी दिशाएं, आज हम लोग दिशाएं के बारे में पढ़ेंगे यानी डायरेक्शंस के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। अतुल मिस्ड हिज स्कूल बस टुडे सो हिज फादर टुक हिम टू स्कूल इन हिज कार। अतुल आज अपने स्कूल बस से चूक गया यानी अतुल का स्कूल बस आज अतुल टाइम पर नहीं पहुंचा इसलिए उसका बस छूट गया। इसलिए उसके पिताजी यानी उसके पापा उसे अपनी कार से स्कूल छोड़ने गए। ऑन द वे अतुल सॉ अ ट्रैफिक पुलिसमैन सिग्नलिंग द व्हीकल्स टू गो राइट स्ट्रेट एंड लेफ्ट। यानी अतुल जो है रास्ते में अतुल ने एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को देखा जो गाड़ी को यानी वाहनों को दाएं सीधे या बाएं जाने का संकेत दे रहा था। तब अतुल ने क्या किया, अपने पापा से पूछा। When अतुल asked his father about this, अतुल अपने पापा से इस बारे में पूछा। किस बारे में, ट्रैफिक पुलिस के बारे में पूछा। He said that the traffic policeman was directing the vehicles to move in a particular direction. तब उन्होंने अतुल को बताया, क्या बताया, कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहनों को किसी विशेष दिशा में जाने का निर्देश देता है। क्या देता है, निर्देश देता है, दिशा में मुड़ने का निर्देश देता है। You must have heard your games teacher asking a student to jump up and down, go forward and backward and turn towards left or right during march past. तब उन्होंने कहा कि आपने खेल शिक्षक से छात्रों को कूदने और नीचे या आगे पीछे जाने के लिए कहते हुए सुना होगा, दाएं या बाएं मुड़ने के लिए खेल शिक्षक कहते हैं बच्चों को, और मार्च पास्ट के दौरान बाएं या दाएं की ओर मुड़ने के लिए भी कहते सुने होंगे। Hear the words right, left, front and behind. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मीन्स डायरेक्शन। यहाँ पर दाएं और बाएं, आगे और पीछे शब्द हैं। आगे और पीछे का मतलब होता है दिशाओं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मीन्स डायरेक्शंस यानी आगे मुड़े पीछे मुड़े ये दिशाओं को निर्देशित करता है। ऑल ऑफ अस यूज वर्ड लाइक अप डाउन स्ट्रेट एंड मेनी मोर टू गिव डायरेक्शंस। हम सभी दिशा निर्देश के लिए ऊपर नीचे सीधे और कई जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। We also point out with our hand to show the directions. हम दिशा दिखाने के लिए अपने हाथों से भी संकेत करते हैं। There are signboard on road that show directions with symbol like arrow, keep left, turn ahead, etc. यानी यहाँ पर सड़कों पर, कहाँ पर, सड़कों पर एक साइन बोर्ड होता है जो तीर का प्रतीक जिस पर बना हुआ होता है, और तीर जो होते हैं वे हमें दिशा के बारे में बताते हैं, दिशा को निर्देशित करते हैं कि अगर बाएं की तरफ तीर एरो का निशान है तो वो हमें बाएं मुड़ने के लिए बताता है, दाएं की तरफ एरो का निशान है तो हमें दाएं मुड़ने के लिए बताता है,
तो आपने भी देखा होगा साइन बोर्ड लगा हुआ रोड पे, जिस पर तीर का चिन्ह बना हुआ रहता है, प्रतीक बना हुआ रहता है। However, they are the four standard directions. हम जानते हैं कि दिशाएं चार प्रकार के होते हैं। They are north, south, east and west. वे सभी हैं north यानी उत्तर, south दक्षिण, east पूरब और west पश्चिम। They are used to indicate larger areas. उनका उपयोग बड़े क्षेत्रों को इंगित करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड चेन्नई इज द साउथ ऑफ इंडिया। उदाहरण के लिए जैसे हम समझ सकते हैं कि न्यू दिल्ली जो है भारत के उत्तर दिशा में है और चेन्नई जो है भारत के दक्षिण दिशा में है। फाइंडिंग डायरेक्शन, अब हम दिशाओं का पता लगाने जानेंगे, कैसे हम दिशाओं को पता कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। वी कैन फाइंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सन। हम सूर्य की मदद से दिशाओं का पता लगा सकते हैं, सूर्य की मदद से हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं। ऑल वी नो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगते हैं और पश्चिम दिशा में डूबते हैं। यू विल बी फेसिंग टूवर्ड द ईस्ट, और जिधर हमारा फेस होता है उधर पूर्व दिशा होता है, हमारे मुंह की ओर पूर्व दिशा होता है। योर बैक टूवर्ड द वेस्ट, और हमारे पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होता है। On your left side was the north and on your right was the south. और हमारे बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होता है और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होता है। जैसे कि आपके बुक में फिगर में भी दर्शाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। Direction are marked on a map. अब हम एक मैप के द्वारा भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। द एरो पॉइंटिंग अवर्ड सो नॉर्थ, जब और मैप में हम एरो के द्वारा पता कर सकते हैं, और जब मैप में एरो जो है वो ऊपर की ओर जब होता है तो उधर क्या होता है, उत्तर होता है। द एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड सो साउथ, और जब एरो का चिन्ह जो होता है वो नीचे की ओर होता है तो हम उसे दक्षिण कह सकते हैं। द एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द राइट सो ईस्ट, और जब एरो हमारे राइट है मतलब राइट साइड में हो तो उधर पूरब हो जाएगा। द एरो पॉइंटिंग टूवर्ड द लेफ्ट सो वेस्ट, और जब एरो सो कर रहा है बाईं ओर तो उधर पश्चिम हो जाएगा। तो हम डायरेक्शन यानी दिशाओं का पता लगाना भी जाने। अब हम इस चैप्टर में आपका जो ये 15 चैप्टर है डायरेक्शंस, ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसे बार बार अपने से घर में इसे रीड करेंगे, पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।